चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। केस नंबर हमारा फोर्थ होगा जो लास्ट केस है, उसके बाद अब जो करेंगे उसके अंदर नया नया आएगा, बाकी इसमें जो केस है वो लास्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या दिया हुआ है, सेंड द बिल ऑफ कलेक्ट बिल फॉर कलेक्शन टू द बैंक और श्रॉफ। सबसे पहले ये टॉपिक का मीनिंग समझो। अब मेरे पास, मैं बिजनेसमैन हूँ तो मुझे, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं हर एक के टाइम ड्यू डेट बिल का देखूँ और उसके बाद कलेक्ट करने जाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम श्रॉफ को दे देता हूँ या बैंक को दे देता हूँ, जो ड्यू डेट पे मेरे बिहाफ पे वो लोग जाएंगे, उससे पैसे कलेक्ट करेंगे और बैंक होगा तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट करेगा। बैंक क्या करेगा बच्चा, तो बैंक हमारे अकाउंट में क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा या हमें वो पैसे ट्रांसफ़र कर देगा या हमें श्रॉफ जो होगा वो दे देगा। तो ये लोग फ्री में तो काम करेंगे नहीं बच्चा, तो वो लोग क्या करेंगे, वो हमारे से चार्ज करेंगे, जो हम बोल सकते हैं उसके लिए वो कमीशन चार्ज करेंगे। ये एक्टिविटी जो कर रहा है वो एजेंट की तौर पे काम कर रहा है, तो ये कलेक्शन के लिए जो चार्जेस लेंगे उसको हम कमीशन वर्ड यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए वो एक्सपेंस होगा। हम कौन है, तो हम ड्रॉअर है, ड्रॉअर के लिए ये एक्सपेंस होगा। बिल्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी साइड की पार्टी की और एक्सेप्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन लेने आता है, क्यों लेके आता है, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो देखेगा मुझे कितने पैसे देने हैं, उतने पैसे वो दे देगा। बाद में आपको जिससे देना है, जिसको लेना है, भेजना है, भेजो, एंट्री सेम रहेगी। पर लेकिन पहले कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद समझते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, कई बच्चों को इसको बहुत ऐसे लगता है कि सर ये बिल डिस्काउंट और इसमें कोई सेम ही होता है। बिल डिस्काउंट में क्या होता है बच्चा, हमें पहले पैसे मिल जाता है, जबकि यहाँ पे हमें जो होता है ये कलेक्शन थ्रू बैंक जो होता है या श्रॉफ थ्रू होता है, इसमें पहले पैसे नहीं मिलते, मैच्योरिटी डेट पे कलेक्शन के लिए बैंक या श्रॉफ जाएगा। समझ में आया? चलो बच्चा तो अब पढ़ते हैं। अ ट्रेडर इज़ अ वेरी बिजी इन डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ हिज बिजनेस, देन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड गेट द फैसिलिटी ही असाइन द टास्क टू कलेक्टिंग द मनी ऑफ अ बिल रिसीवेबल टू बैंक और श्रॉफ। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस किया, वो टास्क असाइन कर देगा। ही सेंड द बिल टू बैंक और श्रॉफ बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट। वो क्या करेगा, वो मैच्योरिटी डेट से पहले वो किसको ट्रांसफ़र कर देगा या दे देगा, ट्रांसफ़र वर्ड नहीं देगा, वो दे देगा श्रॉफ को या बैंक को दे देगा। दिस बिल इज़ नॉट डिस्काउंटेड, अंडरलाइन करना, ये डिस्काउंट नहीं करवा रहा, वो खाली उसको दे रहा है। अब वो क्या होगा, ड्यू डेट पे वो लेके पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। द बैंक और श्रॉफ कलेक्ट द मनी ऑन द मैच्योरिटी डेट ऑन द बिहाफ ऑफ अ ट्रेडर, आइदर क्रेडिट इट और इट इज अकाउंट और पे इट टू हिम। ये कलेक्ट करके हमें पैसे दे देगा श्रॉफ या बैंक होगा तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। समझ में आया? उसके बाद क्या बोला है, हियर द बैंक और श्रॉफ एक्ट एज ए एजेंट ऑफ अ ट्रेडर एंड चार्जेस कमीशन एट द स्टिपुलेटेड रेट फ्रॉम द ट्रेडर फ्रॉम हिज सर्विस प्रोवाइडेड। तो हमारे लिए वो एक्सपेंस होगा। सही है, ये समझ में आया? चलो बच्चा तो अब सिंपल तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो केस है वो एंडोर्समेंट से आगे जाके अब ये है। सबसे पहले बच्चा मुझे वो बोलना पड़ेगा आपको, ये बेसिक एंट्री तो क्लियर है, सेल होने की, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट होने की और बिल्स पेबल के सामने सामने। मुझे खाली डायलॉग इतना बोलना है कि बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए कब होगा, तो हम बोल सकते हैं कि हमने ड्रॉ किया होगा बिल तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल होगा, जिसने एक्सेप्ट किया है उसके लिए पेबल होगा, या सिंपल वर्ड में सेल करता है तो बिल्स रिसीवेबल ये होता है, पेबल कब होता है, जब परचेस करते हैं तब। मैंने सभी एंगल से बोल दिया, अब आपको जो याद रखे वो सिंपल है, मैंने लॉजिक भी सारे समझाए हुए हैं तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो बच्चा तो इसमें अब डी पार्ट में क्या होगा, व्हेन द बिल सेंड टू द बैंक फॉर द कलेक्शन, जो दिन पे हम कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बिल्स, ये वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा, बिल्स फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट डेबिट एंड बिल्स रिसीवेबल। सामने कोई एंट्री नहीं होगी, जो आप भेजो कुछ भी करो वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्टर को, वो ध्यान में रखना है। और यहाँ पे क्या होगा, जब मैच्योरिटी डेट पे होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट एंड बिल्स फॉर कलेक्शन थ्रू द बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? या हम दोनों को अलग भी लिख सकते हैं, कमीशन टू बैंक करके भी लिख सकते हैं, वो भी चलता है। क्लियर है? वो करेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे फिक्स है, उनके पास से पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट। ये लॉजिक आपको पहले से ही क्लियर होगा तो इसमें तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, देखो चलो लिख के बताता हूँ। इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट एंड यहाँ पे लिखेंगे बिल्स फॉर कलेक्शन थ्रू द बैंक अकाउंट क्रेडिट।
दूसरी वाली एंट्री में हम क्या लिखेंगे, तो बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे बच्चा, तो सिंपल हम लिखेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट। इसमें पैसे आ रहे हैं, इसमें पैसे जा रहे हैं, ये ऐसे अलग अलग एंट्री भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में तीनों हम जो अब दो सम करेंगे हमारे केस के हिसाब, सम नंबर 4 जो आएगा वो, और इलास्टिशन 5 जो हम करेंगे वो दोनों में सेम करेंगे ये वाली टेक्स्ट बुक की। लेकिन आगे जब होगा तब ये वाली एंट्री भी आएगी, तो आपको वो दोनों क्लियर करना है। मैं आपको सबके लिए रेडी कर रहा हूँ बच्चा, आपको बस वो ध्यान रखना है कि इसमें लॉजिक क्या रखता है, क्योंकि उसमें नोटिंग चार्जेस और वो सब कुछ आएगा जो आपको ध्यान रखना है। तो ये लॉजिक क्लियर हो गया बच्चा, तो अब एक सम करते हैं तो एकदम प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा नेक्स्ट सेशन वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे।